अमेरिका में अंकिता की बहन को मिली नौकरी। पेट्रोल डालकर जिंदा जला दी गई थी अंकिता। पीड़ित परिवार का दर्द कम करने की कोशिश, लेकिन शाहरुख को नहीं मिली कड़ी सजा। क्या नौकरी दे देने से खत्म हो गया मामला? क्या अब नहीं होगी ऐसी घटना? झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर जला दी गई 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह की बड़ी बहन को उपभोक्ता फोरम में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दे दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सुरेन ने पीड़ित परिवार को घर जाकर सद्भावना दी और अंकिता की बड़ी बहन को नियुक्ति पत्र देकर उनके दर्द को कुछ कम करने का प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंकिता के परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मदद करना सराहनीय कदम है, लेकिन क्या इससे अंकिता को इंसाफ मिल गया? क्या दोबारा फिर से ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी? क्या कोई सरफिरा मुस्लिम फिर से हिंदू की बेटी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा? ऐसे में सरकार को अंकिता के परिवार की मदद के साथ साथ कुछ ऐसे सख्त कदम भी उठाने चाहिए जिससे इस तरह के सरफिरे और कट्टर लोगों को सबक सिखाया जा सके, ताकि फिर से दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। साथ ही जल्लाद शाहरुख को भी जल्द से जल्द सख्त सजा मिले, जिससे समाज में ये मैसेज जाए कि ऐसे हरकत करने पर उनका अंजाम भी बुरा ही होगा। बता दें कि दुमका में बीते 23 अगस्त को सुबह करीब 5 बजे शाहरुख अंसारी नाम के एक सरफिरे ने घर में सो रही अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। दर्द से तड़पती अंकिता ने 28 अगस्त को दम तोड़ दिया था। इस मामले में अंकिता के बयान पर आरोपी शाहरुख को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि नईम अंसारी को अंकिता की मौत के बाद गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।